जी हाँ दोस्तों, हमारे इस रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं सोनाक्षी सिन्हा और ज़हीर इकबाल की शादी के 7 दिन के बाद जिस तरह से लव सिन्हा, सोनाक्षी के भाई लव सिन्हा का ट्वीट सामने आया है उस बारे में। ट्वीट में लव सिन्हा ने जो कहा है उस बारे में बात करेंगे हम, क्यों आखिर उन्होंने नहीं अटेंड की शादी और क्यों वो नाराज़ हैं सोनाक्षी से, कैसे उन्होंने सोनाक्षी उनके परिवार के खिलाफ जहर उगला है, सोनाक्षी के ससुर को लेकर भी कई बुरी बातें लव सिन्हा ने कही हैं। आपको बता दें, सबको पता ही है सिन्हा परिवार में सोनाक्षी जहीर की शादी को लेकर पहले से ही आपत्ति थी, लेकिन शत्रुघ्न पूनम जब शादी के लिए राज़ी हुए, शादी में शरीक हुए, तो लोगों की उम्मीदें ये जगी कि ज़रूर सिन्हा परिवार में अनबन ख़त्म हो गई है। लेकिन यहाँ आप सबको हमारे इस रिपोर्ट में ये बताने जा रहे हैं किस तरह से लव सिन्हा और सोनाक्षी सिन्हा का रिश्ता पूरी तरह से अब ख़त्म है, क्योंकि लव सिन्हा ने अपनी ही सगी बहन के परिवार वालों को, ससुराल वालों को किसी भी तरह से नहीं छोड़ा मौका उन्हें गुस्सा दिलाने का। जी हाँ, उन पर गुस्सा होकर, उनके खिलाफ़ वोट कर, कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी बहन का भी दिल तोड़ा है। दरअसल सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर उन्होंने जो कहा इस बारे में बात करेंगे। लव सिन्हा ने सोनाक्षी और जहीर की इंटरफेथ मैरिज को लेकर लंबे समय से चर्चा होने के बाद, उनकी शादी में शामिल ना होने पर ट्रॉल किए जाने के बाद आखिरकार चुप्पी तोड़ी। और आपको पता ही है, कुछ ने तो कहा था शादी में वो नज़र नहीं आए, लेकिन शादी में थी। लेकिन लव ने तो रिएक्शन देने से ही मना किया था। बता दें आप सबको, राजनीति से जुड़े हुए शत्रुघ्न और पूनम के बेटे लव, जिन्हें ज़रा भी नहीं है इंटरेस्ट सोनाक्षी और उनके पति के बारे में बात करने में, 30 जून को ट्वीट किया था लव सिन्हा ने, और उसमें उन्होंने लिखा था न्यूज स्टोरी के लिए उनके फैमिली बिजनेस के बारे में बाकायदा कहानी बनाई गई, जिससे कोई भी ग्रे एरिया पर ध्यान न दे, जैसे दूल्हे के पिता की एक राजनेता से नज़दीकियाँ, जिनकी ईडी पूछताछ वॉशिंग मशीन में गायब हो गए, ना ही दूल्हे के पिता के दुबई में रहने की भनक थी। लव ने आखिर ऐसा क्यों कहा, यह तो साफ नहीं हो पाया, लेकिन इससे कयास तो यही लगाए गए हैं कि ये ट्वीट जहीर इकबाल के पिता इकबाल रत्नसी को लेकर उन्होंने किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वह मुंबई के जाने माने बिजनेसमैन हैं, जिनका बिजनेस न केवल भारत बल्कि विदेश में फैला है। दुबई तक इकबाल रत्नसी का बिजनेस फैला है। सुपरस्टार सलमान के बेहद करीबी दोस्त इकबाल माने तो भाईजान के बहुत करीबी होने के साथ करोड़ों करोड़ों की संपत्ति के मालिक है। भाईजान ने तो उनसे भारी रकम उधार भी लिए। खैर, यहाँ पर ट्विटर पर ये पोस्ट आप देख सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें किस तरह से ये ट्वीट वायरल हो रहा है लव सिन्हा का। उन्होंने कहा कि आखिर मैंने शादी में शामिल ना होने का फैसला क्यों लिया, ऑनलाइन कैंपेन मेरे खिलाफ चल रहे हैं, लेकिन चीज़ें नहीं बदलेगी ये सब कहने से कि मेरा परिवार मेरे लिए प्राथमिकता है। खैर, दूल्हे के पिता को लेकर जो ट्वीट हुए हैं, अगले ही दिन लव सिन्हा ने अन्य ट्वीट में बताया उन लोगों से नाता वो नहीं रखना चाहते हैं। जी हाँ, लव सिन्हा ने ट्वीट में कहा कारण बहुत स्पष्ट है कि मैं इसमें क्यों शामिल नहीं हुआ, और चाहे कुछ भी हो मैं कुछ लोगों के साथ नाता नहीं रखूँगा। मुझे खुशी है कि मीडिया के एक सदस्य ने PR टीम द्वारा पेश की जा रही रचनात्मक कहानियों पर भरोसा करने के बजाय अपना रिसर्च किया है। बता दें आप सबको, शत्रुघ्न सिन्हा भी परिवार में आई दरारों की वजह से काफ़ी मेंटली प्रेशर में थे और उनकी हालत बिगड़ गई थी।
जी हाँ, वो भी इस शादी से खुश नहीं थे और लोग यही मान रहे हैं कि इसी वजह से शत्रुघ्न की भी तबीयत 77 की उम्र में बिगड़ गई है। हालांकि लव ने अपने पिता की सेहत पर बात करते हुए कहा था कि उन्हें वायरल फीवर था, वो काफ़ी कमज़ोर थे। जो कयास लगाए गए कि सिन्हा परिवार का माहौल ठीक नहीं है, इस वजह से शत्रुघ्न सिन्हा की तबीयत ठीक नहीं है, तो इस कयास के बारे में बात करते हुए यही लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं परिवार में दरारों का कारण सिर्फ सोनाक्षी की अपनी जिद रही है। गौर हो, इससे पहले भी लव सिन्हा ने सोनाक्षी को लेकर कुछ ऐसा कहा था जो इस बात को बयां कर रहा था कि वो वाकई में सोनाक्षी से कितने नाराज़ चल रहे हैं। जी हाँ, सोनाक्षी जहीर की शादी की चर्चा खत्म होने से पहले ही लव और सोनाक्षी के रिश्ते में दरार और ज़ुबानी जंग की हो रही है चर्चा। एक इंटरव्यू लव का फिर हो रहा है वायरल, जिसमें सोनाक्षी की पर्सनल लाइफ पर बात करते हुए अपनी राय देते हुए लव ने कहा, नहीं पता मुझे कि सोनाक्षी को हिट हुआ है या नहीं, लेकिन मुझे एहसास हुआ है वह रातों रात मिली कामयाबी के लिए तैयार नहीं थे। ओवरनाइट सक्सेस अलग चीज़ है, ये बहुत अलग फीलिंग है, क्योंकि अचानक आपके आसपास बधाई देने वाले कई शुभचिंतक आ जाते हैं जो शायद आपके शुभचिंतक ना हो। हर कोई आता है और अपने ही फायदे के लिए, और आपको ही हो सकता है कि लगता नहीं है। सोनाक्षी के लिए लव सिन्हा का ये कहने का मतलब साफ था कि सोनाक्षी को फेक लोगों की पहचान नहीं है, नकली लोगों को पहचानने में कच्ची है सोनाक्षी सिन्हा। लोग उनके पास फ़ायदे के लिए आते हैं और शायद सोनाक्षी इस बात को नहीं समझ पाती हैं, और इसलिए कहना चाहूँगा कि वो सुनती भी नहीं है। पहले भी लव ने कहा था सोनाक्षी बहुत ज़िद्दी हैं और वो अपने भाई की नहीं सुनती। उनकी ज़िंदगी के जब बात होती है तो चाहे कोई दखल दे या ना दे, वो अपनी ही करेंगी। किसी के दखल देने का कोई मतलब नहीं। सलाह सब देते हैं लेकिन सोनाक्षी सुनती नहीं है और वो अपने मन की ही करती हैं। वो ऐसी ही हैं, उन्हें नहीं है पहचान सही गलत का। लव सिन्हा ने बार बार ये बात दोहराई, यानी कहीं ना कहीं लव ने ना सिर्फ सोनाक्षी को टारगेट में लिया बल्कि सोनाक्षी के पति जहीर इकबाल पर भी निशाना साधते हुए उन पर भी तंज कसा। उनके कैरेक्टर, उनकी पर्सनालिटी और अब तो उनके परिवार, उनके पिता पर भी तंज कसे हैं। साफ है ये बात कि लव का इस शादी में शिरकत ना करने के पीछे का कारण यही था, क्यों वो नहीं चाहते थे सोनाक्षी और जहीर की शादी हो, और इसलिए उन्होंने इस फैसले को रजामंदी अपनी तरफ से नहीं दी थी। नेक्स्ट 9 लाइव सिर्फ तिग रिपोर्ट।